हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरुजी, गुरुज किचन में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ चिली एचोड़। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बनाते हैं चिली एचोड़। तो दोस्तों, पहले कटहल का छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकाल के रखा था, इसको हम बारीक से पीस कर लेंगे। ऐसे ऐसा शेप में काट लेंगे। इसके बाद इसको हम बॉइल्ड करेंगे। तो दोस्तों, कुछ आलू को मैंने ऐसे काट लिया, तो इसको भी हम ये कटहल के साथ बॉइल्ड कर लेंगे। अब देख सकते हैं, कटहल और आलू को एक साथ डाल दिया। इसको हम एक सीटी लगा देंगे। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको बॉईल करते हैं। दोस्तों, मैं कटहल को बॉईल कर लिया, इसके संग आलू भी बॉईल कर लिया नमक देके। तो अब हम इसका बैटर बनाएंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो चलिए बैटर बनाते हैं। तो दोस्तों, पहले डाल देंगे क्रश किया हुआ मिर्ची, डाल देंगे इसमें लहसुन, पिसा हुआ लहसुन थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, अदरक वो भी थोड़ा करके डाल देंगे, थोड़ा सा नमक। अब डाल देंगे इसमें मैदा और डाल देंगे इसमें एरा रूट। और अब इसको हम एक में स्मूथ बैटर बना देंगे इसको। तो चलिए बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए पहले पानी डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं बैटर बन गया है, एकदम स्मूथ बैटर हो गया। इसमें हम डाल देंगे हमारा इचोड़ और आलू को। इसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले इसको मिला लेते हैं। दोस्तों, एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, जितना भी कटहल और आलू है इसको हम ऐसे फ्राई करेंगे, पूरे डीप फ्राई कर लेंगे इसको। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, पूरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको उठा लेंगे ऐसा माफी की, सबको हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, पूरा फ्राई हो चुका है, एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। तो दोस्तों, ग्रेवी बनाने के लिए प्याज और कैप्सिकम को डाल देंगे पहले, इसको डाइस करके काट लिया। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होते होते मैं सॉस बना लूँगा। चलिए सॉस बनाते हैं। डाल देंगे गरम ऑयल थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे कोचून का टोमेटो सॉस। आप डालेंगे पोचून का, देख सकते हैं पोचून का चिली गार्लिक सॉस। अब डाल देंगे अभी पोचून का डार्क सोया सॉस। इसको मिला लेंगे एक साथ। सॉस है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तो वहाँ पे मैं फ्राई कर रहा हूँ, फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई देखते हैं। तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें चॉप किया टमाटर, हरी मिर्च, जिंजर और गार्लिक, सबको एक संग डाल देंगे। इसको गैस का फ्लेम को ज़्यादा कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे।
तो दोस्तों अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, पिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा लहसुन और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब दोस्तों इसमें डाल देंगे सॉस, तो दोस्तों अभी इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ सब्जी। तो दोस्तों अब इसमें डाल देंगे कुछ और एरोरूट को हम पानी में भिगो के रखा था, इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह और एक बार मिला लेंगे। लो फ्लेम में इसको रख देंगे 2 मिनट, उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों बन गया आज का डिश इचोड़, चिली इचोड़, कटहल भी बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल देंगे गार्निश के लिए। देख लीजिए आज का रेसिपी कैसा हुआ बोलिएगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।